हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ नाइन्थ फाइनल क्लास एग्जामिनेशन। फाइनल क्लास के लिए, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, या मैं कहूँ फाइनल स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए आपका इसको, इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए बच्चों, हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं। कौन कौन सी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये तीनों इक्वेशंस आपको लर्न करना है अगर आप मोशन चैप्टर कर रहे हैं, या आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9 को रेडी कर रहे हैं अपने बोर्ड के पेपर के लिए, या आप नाइन्थ क्लास के फाइनल एग्जाम्स के लिए। मस्त से बोर्ड तो खैर नहीं होता क्लास 9 का। तो बेटा, आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा गौर से और अच्छे से पढ़ के जाना है कम्प्लीटली। माइनर माइनर मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, आपको वो अवॉइड करना है। तो देख लीजिए, यू को क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी, ज़्यादातर आपको पता ही होगा। यू इज़ इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम, एंड एस डिस्टेंस। तो ये मैं अब ये मान के चलती हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके ये तीनों इक्वेशंस को लर्न कर लिया, एंड देन आपको ये भी पता होगा कि वी को क्या बोलते हैं, यू को, ए को, टी को और एस को, इन सबको क्या बोलते हैं। सो हम देख लेते हैं ग्राफ को पहले। ग्राफ में देखिए आप, ये मैंने वी टी ग्राफ ड्रॉ किया है। वी टी ग्राफ क्यों बोलते हैं? सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस तरफ वी वेलोसिटी है, यहाँ पर टी टाइम है, और ये क्या है, ये ओ है, ए बी सी एंड डी। आपने बच्चों इस तरह से ग्राफ को बना लेना है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको समझने में। ओ से लेके ए तक के डिस्टेंस को बोलते हैं यू, और इसके जो सामने वाला, बिल्कुल ओ के, ओ ए ओ के बिल्कुल सामने वाला है डी सी, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? यू, ठीक है। बी से लेके सी तक की वैल्यू कितनी है? वी। फिर से देखिए, B से लेकर C तक की वैल्यू कितनी है? V। अब बड़े में से छोटी लाइन को माइनस करेंगे ना, जैसे मेरे पास एक छोटी पेंसिल है और एक बड़ी पेंसिल है, इस तरह से। अब मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगी। तो V में से U को माइनस करके क्या आ जाएगा? V माइनस यू। ओ सी की है टी वैल्यू, ठीक है, और ए डी की भी क्या हो जाएगी? टी हो जाएगी। तो बच्चों, अगर तो आपको ये ग्राफ आपका बन गया ना अच्छे से, ठीक है, ये आपने वैल्यूज अच्छे से फिल कर दी, तो समझो आपका ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, आपने कर लिए। मैं देखिए, आपने गौर किया होगा कि मैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में नहीं जा रही हूँ, मैं एक आपको शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये देख लिया होगा, ओ ए यू, तो इसके बिल्कुल सामने वाला डिस्टेंस भी यू। ये पूरा डिस्टेंस वी है, तो इसके सामने वाला जो डिस्टेंस होगा वो वी आएगा। ये वी माइनस यू कैसे आया बच्चों? कैपिटल, ये जो बड़ी लाइन थी, इसमें से छोटी वाली लाइन को मैंने माइनस कर दिया, तो वी माइनस यू आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए बच्चों, ए डी पैरेलल टू ओ सी, ये जो डॉटेड लाइन्स है ना, ये मैंने खुद से ड्रॉ की हैं, इसीलिए डॉटेड में है, ठीक है। ये ग्राफ का पार्ट नहीं, ग्राफ का पार्ट क्या है, ये सॉलिड लाइन ही होता है। वी टी का ग्राफ हमने इस तरह से बनाया ताकि वो नॉन जीरो ना आए। तो ए डी पैरेलल टू ओ सी, अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिखिए, ये बताने के लिए लिखा गया है कि जो वैल्यू ओ सी का होगा वही वैल्यू ए डी का होगा। नेक्स्ट ये क्या लिखा है, बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी। ये बी सी है, पूरी की पूरी बी सी लाइन किसके इक्वल है? बी डी प्लस डी सी, यहीं पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे गौर कीजिए क्या लिखा है, जो ये वैल्यूज ग्राफ पे लिखी हुई हैं वही वैल्यूज यहाँ पे लिख दीजिए। बी सी वी के इक्वल, बी सी वी के इक्वल, डी सी यू के इक्वल, डी सी यू के इक्वल, और पूरी लाइन। अगर आपको नहीं पता है, आप ये स्किप कर गए, तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। अब ये फॉर्मूला में हम डाल देंगे, बी सी की जगह वी डाल दिया, बी डी, अगर आपने इसको नहीं यहाँ पे लिखा है, वैसे तो आपको पता ही होगा कि ये आंसर यही आने वाला है, डी सी की वैल्यू यू डाल दी, बी डी की वैल्यू आपने निकाली, क्या आ गई? वी माइनस यू, ठीक है। अब फिर से देखिए, फ्रॉम वी टी ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रही है पूरे में? सिर्फ ये वाला पॉइंट जो है वो चेंज शो कर रहा है हमें वेलोसिटी, मतलब बी डी,
तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, बी डी। अब ओ सी, ओ सी क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा था मुझे, तो मैंने ओ सी लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, बी डी जी, बी डी की जगह पे वी माइनस यू लिख दिया, यहाँ से मेरे को ग्राफ में से ही मिल गई वैल्यू। ओ सी की जगह पे मैंने टी लिख दिया, तो इसी तरह से बच्चों आपने भी टी लिख दिया। अब क्या होगा, ये ए टी, टी को उधर ले जाइए, क्या बन गया, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब रीअरेंज कर दीजिए, फर्स्ट फॉर्मूला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ईजी था ना ये मेथड। तो इसी तरह से अब हम सेकेंड फॉर्मूला डराइव करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड फॉर्मूला डराइव करने के लिए आपको, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आप कंसिडर कर लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब जब उसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है ट्रेपेजियम का फॉर्म, ठीक है, ये ट्रेपेजियम बन गया ना हमारे पास। तो देखिए ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेपेजियम, तो ये आ गया एरिया ओ ए बी सी। ओ ए बी सी कहाँ से आ गया, ओ ए बी सी, ये ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, अब ये जो ट्रेपेजियम है देखो, इसमें आपको दो शेप्स नज़र आ रही हैं, कैसी, एक तो आ रहा है रेक्टेंगल नज़र और दूसरा क्या आ रहा है, ट्राइंगल नज़र। तो देखिए यहाँ पे यही लिख दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि ये जो ट्रेपेजियम है ये दो शेप से मिलके बना हुआ है, देखो नज़र आ रही है ना दो शेप आपको अलग अलग। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, प्लस की जगह प्लस आ गया। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है जी। अब बच्चों क्या होगा, लेंथ क्या है रेक्टेंगल की, ओ ए, ठीक है, लेंथ माने हाइट, हाइट कितना है ओ ए, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ माने चौड़ाई, थिकनेस, थिकनेस कितना है ओ सी, आ गया ना बच्चों। प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ, अब ये लेंथ कितना है ट्राइंगल का, लेंथ कितना है ट्राइंगल का ए डी, लेंथ माने हाइट, हाइट कितना हो गया, इस तरह से कर लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। ए डी लिख लिया, ब्रेथ लिख लिया आपने बी डी, तो इस तरह से आ गया। अब इनकी वैल्यूज आपको पता है, ओ ए की वैल्यू कितनी है यू, यू डाल दिया, ओ सी की वैल्यू कितनी है टी, तो यहाँ पे टी डाल दिया, हाफ आ गया। ए डी की वैल्यू देखो ग्राफ में आपको सही मार्क करनी है, अगर ग्राफ मार्क आपने सही कर लिया देन हो जाएगा सारा काम। बी डी की वैल्यू कितनी है, वी माइनस यू। अब देखो आपको ये याद रखना है कि आप फॉर्मूला कौन सा ड्राइव करें, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं ना, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखो बच्चों मुझे तो इसमें ए चाहिए, ए चाहिए ना, देखो यहाँ पे। अब मैंने जो पहला फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें क्या था, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से आप जो है ना वी माइनस यू की वैल्यू निकाल दीजिए, देखो वी माइनस यू की वैल्यू आप यहाँ से नहीं ड्राइव कर सकते, इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको बस इधर ले गई हूँ, वी माइनस यू हो गया और ये कितना आ गया ए टी। अब ए टी किसकी जगह लिख देंगे, v माइनस यू की जगह। अब t दो बार आ गया तो t स्क्वायर आ गया, तो देखो बन गया ना ये पूरा फॉर्मूला, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो लेट्स टेक अ लुक एट थर्ड फॉर्मूला। अब थर्ड फार्मूला के लिए बच्चों यही ग्राफ, तो यही ग्राफ तीनों फार्मूलाज में लिखना है हमने, ड्रॉ करना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसके जो जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ना आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर अपनी कॉपी पे बना लेना। चलिए कंसिडर करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि ये ट्रेपेजियम का शेप है। लेकिन पिछले वाले में हमने क्या किया था, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल कंसिडर किया था, इसमें हमने इन झंझटों में नहीं पढ़ना है, इसमें हमने पूरा का पूरा ट्रेपेजियम को कंसिडर कर लेना है। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ साइड्स इंटू हाइट, तो सम ऑफ साइड्स क्या हो गई ए ओ एंड बी सी, तो देखो ओ ए प्लस बी सी ये फॉर्मूला आता है, ओवर टू आता है, सम ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट कितना है, हाइट कितना हो जाएगा इसका, या डिस्टेंस कितने पे है ये, ठीक है, तो डिस्टेंस है इनका ओ सी, तो यहाँ पे टी आ गया। अब देखो बच्चों टी तो हमें इस फॉर्मूला में नहीं चाहिए था, क्यों, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला हम ड्राइव करें इसमें कहीं टी है नहीं है ना, तो हमें टी नहीं चाहिए, हम टी को ओमिट करेंगे। अब टी को ओमिट करने का क्या तरीका, वही पेट फॉर्मूला जो पहला फॉर्मूला आपका था, जो पहला फॉर्मूला आपका था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला, आप उसी को लीजिए, उसमें से t की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ ले जाइए v माइनस यू हो गया, a को इसके नीचे ले जाइए, आपको पता है मैथमेटिक्स आपका अच्छा है मुझसे भी, तो क्या आ जाएगा, t की वैल्यू आ गई v माइनस यू ओवर a, ठीक है बच्चों। अब t जो यहाँ पे था ना, ये जो t था इसकी जगह पर ये वैल्यू डाल दिया, आ गया ना ये वैल्यू, देखो
अब क्या कर देंगे, ये मैंने बस कुछ नहीं किया है, यू इधर ले गई, वी इधर ले गई, ताकि आपको देखने में थोड़ा ठीक लगे, वी प्लस यू वी माइनस यू। अब टू ए था, ए कहाँ से आया भाई, यही टी वाला फॉर्मूला में से आ गया था। अब इसको इसके पास ले जाओ, टू ए एस के पास, ठीक है, इसको मैंने टू ए एस कर दिया। अब ये आ गया वी प्लस यू वी माइनस यू। अब बच्चों को रिकॉल करो ज़रा अपना मैथमेटिक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मान लो वी को, बी मान लो यू को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।